भाई लोग, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैं G502 माउस का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो ये रहा आपका, ये वैसे मैंने नेहरू प्लेस से ख़रीदा है 4800 में। आपका 2 साल का वारंटी है ये। तो अगर आप बजट गेमिंग हो तो आपके लिए ये नहीं है। अगर आप उतना तक इन्वेस्ट कर सकते हो तब आप ले सकते हो। वैसे इसका MRP प्राइस है आपका 6500, मतलब 5 रुपये कम। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो मैंने ये अनबॉक्सिंग कर लिया इसको। तो ये रहा मेरा G502 और इसके साथ मुझे ये मिला। इससे आप इसमें थोड़ा मतलब 3.6 ग्राम का पार्ट्स है, टोटल 18 ग्राम्स तक है। तो इससे आप निकाल के यहाँ पे लगा के इसका वेट बढ़ा सकते हो आप। तो ये वैसे बेसिकली ये अपग्रेडेड वर्जन है जो आपका G502 प्रोटियस स्पेक्ट्रा में जो 2016 में लॉन्च किया गया था। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि ये जो आपका केबल है, केबल में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। तो इसके बाद आपका जो इसका सेंसर था वो सेंसर 10,000 DPI तक ही था जो पहले वाला था। और ये वैसे आपका 2018 में इसका अपग्रेडेड वर्जन निकला था, लेकिन मैं अभी 2019 में ख़रीद रहा हूँ। तो देखते हैं इसका कैसे है, इसको आप बढ़ा सकते हो 18 ग्राम्स वेट। तो ये रहा आपका, ये खोल सकते हो आराम से। ये जो पार्ट्स है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाना है आपको, इससे कि आपका जो वेट है वो बढ़ सकता है। तो ये इसीलिए दिया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिसका मतलब आपका माउस का वेट उनके हिसाब से वो लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आपका जो आपका राइट हैंडेड जो लोग हैं माउस यूज़ करते हैं राइट हैंड में, उनके लिए है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड वालों के लिए नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर आप राइट हैंडेड है तो तभी ये माउस खरीदिए। तो ये आपका जो LED है, इसमें LED चलता है, इसमें आपका 8GB का LED चलता है। और इसमें आप DPI कंट्रोल कर सकते हो। DPI जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका लाइट जो है, 1, 2, 3 ऐसा मतलब लाइट है यहाँ पे, अभी दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में। तो ये लाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा जितना ज़्यादा आप उसको मतलब वो करोगे, DPI बढ़ाओगे। तो ये पूरा का पूरा जो वायर है ये 2 मीटर के आसपास लंबा है इसका लंबाई, और ये 2 साल तक वारंटी है। और ये जो माउस है, ये माउस आपका वर्ल्ड में टॉप 10 माउस में से आता है, जिसका जो आपका FPS गेम है, FPS गेम के लिए ये बहुत सही है, जैसे आपका स्नाइपिंग वगैरह हो गया इसमें। तो ये माउस आपका वो निंजा जो है, निंजा को जानते ही हो गया, निंजा भी यूज़ किया था इस माउस को। तो मैं इसको आपको लैपटॉप में लगा के दिखाता हूँ। तो ये वैसे आप ये अगर बजट गेमर हो तो ये आपके लिए नहीं है ये माउस। तो मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है। तो ये देखिए LED जल रहा है आपका, ये देखिए अलग अलग टाइप का LED है, ये कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये पूरा का पूरा, और ये जो व्हील है इसको आप स्पीड कंट्रोल और बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि इसको मैंने अभी देखिए कितना स्मूथ है, देखिए कैसे घूम रहा है ये देखिए अभी भी घूम ही रहा है, रुक जा, अभी इसको आप दबाइए, अभी ये देखिए ये लॉक हो जाता है, जिससे आपका ये कंट्रोल मतलब कंट्रोल कर सकते हो इसका स्पीड को आप। तो इसमें टोटल 11 स्विच है जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये मिडिल में 11, टोटल 11 स्विच है इसमें आपका। तो ये वैसे माउस तो बहुत सही है और मैं अब यूज़ कर रहा हूँ इसको भी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये माउस। तो आप इसको ख़रीद सकते हो अगर आपका बजट है तो। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।
अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पास अच्छा सा वो नहीं है, मतलब वो स्पीकर नहीं है जिससे मतलब वॉइस क्लियर नहीं हो सकता है, तो माफ़ करना इसके लिए। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। थैंक यू।